बढ़ते हैं आगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह चरम पर है। आज शाम डूबते सूरज को छठ व्रती और श्रद्धालु अर्घ देंगे और इस मौके पर सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। इधर छठ को लेकर शहर में दो दिनों तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया जाएगा और दोपहर बाद व्रती परिवार और इष्ट मित्रों के साथ छठी मैया के गीत गाते हुए छठ घाटों पर पहुंचेंगे। नियम निष्ठा से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर मनोवांछित फल की कामना करेंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को छठ व्रतियों ने दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को गन्ने के रस और गुड़ चावल की खीर बनाई। छठ व्रतियों ने सूर्यदेव और छठी मैया को भोग लगाने के बाद स्वयं इसे ग्रहण किया और परिजनों और इष्ट मित्रों में प्रसाद वितरित किया। इसी के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया। अब